हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामला, हाईकोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक मांगा जवाब, 12 को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने ईडी को 9 फरवरी के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई 12 फरवरी को होगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दायर की गई थी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका सुनने से इनकार करते हुए पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के द्वारा चलाए जा रहे प्रोसीडिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने ईडी को 9 फरवरी के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले की विस्तृत सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी।